जब हम गणित को सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं तो है कि ये सब्जेक्ट इजी है जब आपको इसके सारे नियम कायदे कानून पता हो, कुछ इसमें बेसिक से रूल्स फॉलो करने होते हैं तो ये बिल्कुल इजी सब्जेक्ट हो जाता है। जैसा कि सभी को पता है, मैथ में कैलकुलेशन करते समय, क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय कॉन्सेप्ट के साथ आपको बेसिक कैलकुलेशन रूल्स भी आने चाहिए। बच्चों से कैलकुलेशन फॉल्ट ज़्यादातर होती है, 90% स्टूडेंट को क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, बस उसे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है उसका कहीं ना कहीं आगे आके कैलकुलेशन फॉल्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो माइनस प्लस या तो रूल्स से रिलेटेड फॉल्ट कर देता है। ये पता है, मैं आपको जो आज बेसिक्स रूल्स बताने जा रहा हूँ वो आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे इस छोटे से प्रयास से आपका हो सकता है रिवाइज कर ले, आपका रिविज़न हो जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित के बेसिक रूल, विभाज्यता के नियम, डिविजिबिलिटी रूल्स, जैसे 2, 3, 4, 5, इनके विभाज्यता के नियम को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले 2 की विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसकी कभी परिभाषा नहीं पूछी जाती, बस इसका प्रैक्टिकली आपके माइंड में नॉलेज होना चाहिए। आपको को माइंड में ये याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी नंबर के लास्ट में ये डिजिट है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होंगे। जैसे आपको एग्जांपल के लिए ले लें, 262, कोई भी बड़ा सा नंबर, 14620, मीन्स जिसके लास्ट पे 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है, 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स है जिन नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल हो, नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल हो। जैसे तो कोई नंबर आप एग्जांपल के लिए ले लो, 21, आप जानते हो 21 3 से डिविजिबल है, तो इसका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 2, इसका सम क्या होगा, 2 + 1 = 3, 3 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। और कोई बड़ा नंबर ले लो, 7, 5, 3, 5, 4, 2, अब इस नंबर को चेक करना है ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर आप जनरली तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा जाएगा, आप इसको इसके नंबर्स का सम कर लीजिए, 7 5 12, 12 6 18, 18 5 23, 24 3 4 27, और 2 ऐड किया 29, 29 को 2 से डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा। तो देखिए डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचेगा, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या पढ़ा आप लोगों ने, पढ़ा है जिसके जिस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या क्या 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। 3 की डिविजिबिलिटी का रूल्स पढ़ा आपने, 3 की विभाज्यता का नियम क्या, तो जिन नंबर्स का सम 3 से डिविजिबल हो, जिन नंबर्स का सम उनको जोड़ने पर, टोटल करने पर अगर 3 से भाग चला जाए तो वो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। और फिर इसके बाद 3 के बाद आता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होता है, जिन नंबर्स के यूनिट और टेंस प्लेस डिजिट, इकाई और दहाई के स्थान पर 0 हो या 4 से डिविजिबल कोई नंबर हो, 0 हो या 4 से डिविजिबल कोई नंबर हो, तो नंबर 4 से डिविजिबल होते हैं। जैसे 144, तो देखिए इसमें क्या है, लास्ट में 44 है जो कि 4 से डिविजिबल है, इसमें क्या है, 04 है तो ये भी 4 से डिविजिबल है, इसमें क्या है, इसमें दोनों पे 0। जैसे एग्जांपल के लिए 1000, 1000 इसमें लास्ट में 0 है दोनों इकाई और दहाई के स्थान पर, इसलिए 4 से डिविजिबल है। 4 की डिविजिबिलिटी का रूल्स, लास्ट में क्या हो, 0 हो या 4 हो या 4 से डिविजिबल कोई नंबर हो, 4 से विभाज्य संख्या हो। इसके बाद 5 का तो वेरी सिंपल, लास्ट में 0 हो या 5 हो, जैसे 5, 25, 500, 360, ये सारे नंबर 5 से डिविजिबल है क्योंकि इसके लास्ट पे 5 है, इसके लास्ट पे 0, इस पे भी 0। 5 की डिविजिबिलिटी का रूल, यूनिट प्लेस पर 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल उठता है। 6 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या है, 6 की डिविजिबिलिटी का रूल्स है कि जो नंबर 3 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी
डिविजिबल हो, दो से भी भाग चला जाए, तीन का भी भाग चला जाए, वो नंबर सिक्स से डिविजिबल होते हैं। जैसे 12, 12 क्या है, 2 से भी डिविजिबल है, क्या लास्ट में 2 है, और 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 1 3, 3 से इनका सम 3 से डिविजिबल है। अब कोई बड़ा नंबर आप लो जो 2 से डिविजिबल हो और 3 से ना हो, जैसे 20 है, 20 देखिए 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, 3 से डिविजिबल होने के लिए इनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो ये क्या होगा, 6 से डिविजिबल नहीं होगा। और आप ले लीजिए, आप लीजिए जो सिर्फ 3 से डिविजिबल हो, जैसे लीजिए 70, ये 2 से डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, इसलिए ये भी 6 से डिविजिबल नहीं होगा। 6 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होना चाहिए, 2 से भी विभाज्य हो और 3 से भी विभाज्य हो, 3 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए, तो ऐसे नंबर क्या होंगे, 3 से 6 से डिविजिबल होंगे। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, 7 की डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है किसी नंबर जैसे 343 है, इसका डबल करके शेष नंबर से माइनस करना है। जैसे 3 है, 3 को डबल किया तो क्या आया, 6 आया, 6 को ओ इस रिमेनिंग नंबर से माइनस कर देना, 6 इसमें से माइनस किया तो क्या आया, 14 में से 6 माइनस किया 8, और ये 28 जो रिमाइंडर आया, जो सब्सट्रैक्ट करने पर आया, ये 7 से डिविजिबल है, तो ये नंबर जो रिमेनिंग नंबर आया ये 7 से डिविजिबल होगा। अगर रिमाइंडर 7 से डिविजिबल है तो ये होल नंबर 7 से डिविजिबल होगा। और कोई नंबर आप ले लीजिए, जैसे 549 कर लो, तो क्या होता है, 9 2 18 यूनिट प्लेस को आपने क्या किया, डबल किया, 9 2 18 इससे माइनस किया शेष नंबर से, 14 में से 8 माइनस किया 6, और 4 में से 1 3, 36 आया, जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए 549 7 से डिविजिबल नहीं होगा। 7 की डिविजिबिलिटी का रूल क्लियर हुआ 6 का। अब इसके बाद क्या आते हैं, 343 है और 549 नहीं, ये नहीं। अब इसके बाद 8 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होगा, 8 की डिविजिबिलिटी का रूल्स आपको लर्न करने के लिए आपको आना पड़ेगा 4 वाले में, जो रूल 4 में लागू होता है वही 8 में लागू होता है, जैसे बस इसमें चेंज क्या है, इसमें यूनिट और टेंस प्लेस कहता है, इसमें यूनिट टेंस और हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड, इकाई दहाई सैकड़े के स्थान पर 0 हो या 8 से डिविजिबल कोई नंबर हो, 808 या अब आप ले लीजिए 1888 या आप ले लीजिए 1040। ये देखिए इसमें तीनों प्लेस पर 0 है, ये इसमें 8 से डिविजिबल नंबर है, इसमें भी 8 से डिविजिबल नंबर है, इसमें भी 8 से डिविजिबल नंबर है 40 में, तो ये नंबर आपके 8 से डिविजिबल है। 9 के लिए आपको सीधा क्या करना है, 3 वाला डिविजिबिलिटी रूल्स लर्न करना है, नंबर्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, किसी नंबर्स का सम अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी कम्प्लीटली 9 से डिविजिबल होगा। और 10 की डिविजिबिलिटी का रूल्स क्या होता है, 10 की डिविजिबिलिटी का रूल्स होता है लास्ट में यूनिट प्लेस पर 0 हो तो वो नंबर भी 10 से डिविजिबल होगा, 10 का वेरी सिंपल जैसे 5 का था।